हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्विज डेज मैथमेटिक्स। दोस्तों, जिन्होंने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो मैंने डीआई का एक सेट लिया है, मिसिंग डीआई का सेट है, एसबीआई पीओ मेन 4 जून 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। आने वाले आईबीपीएस पीओ मेन के लिए भी, आरआरबी पीओ मेन के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो प्लीज़ आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। द टेबल शो द डिस्काउंट परसेंट गिवेन बाय स्टोर्स ऑन डिफरेंट आइटम। द मार्क प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल ऑन ऑल स्टोर्स इज सेम। देखो, मार्क प्राइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मार्क प्राइस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले उसे समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदा जाता है उसे कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। उससे अधिक में बेचा जाए यानी मार्कअप किया जाए उसे कहा जाता है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस। अब वहां से डिस्काउंट जब दिया जाए, डिस्काउंट कहने का मतलब छूट दिया जाए, तो एक नया प्राइस है जिस पर कि बेचा जाता है उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट या लॉस कहां से डिसाइड होता है? सेलिंग प्राइस से डिसाइड होता है प्रॉफिट या लॉस। तो डिस्काउंट का मतलब क्या होगा? छूट देना, छूट देना। ठीक है, कम करके बेचना। तो इतना बात ध्यान में रखेंगे। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि मार्क प्राइस सबका बराबर है। ए आर्टिकल का तीनों स्टोर में मार्क प्राइस बराबर है। जैसे 100 रुपया अगर हो तो 100 रुपया इसमें भी है, 100 रुपया उसमें भी है, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है कि ये 16% डिस्काउंट दे रहा है और ये 7% डिस्काउंट दे रहा है, ये 24% डिस्काउंट दे रहा है। तो एक आर्टिकल, पहले आर्टिकल को ए 100 रुपया का है तो उसे 84 रुपया में बेच रहा है। दूसरे आर्टिकल को बी 100 रुपया का है, वही 100 रुपया सेम मार्क प्राइस है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो 7 रुपया छूट दे रहा है तो 93 रुपया में बेच रहा है। इसी तरह से ये 24 रुपया छूट दे रहा है तो 76 रुपया में बेच रहा है। मार्क प्राइस सबका सेम है, मार्क प्राइस सबका सेम है। तो बेस हम लेकर के चलेंगे सबका मार्क प्राइस। बेस मतलब आधार, मतलब अभी हम आधार ऐसे लेकर के चले, देखो कम और ज्यादा, तो आधार है ये, ज्यादा कम दोनों को ऐड कर दिए, मतलब डिफरेंस अगर निकालना रहा तो। खैर इसको छोड़ो, अभी पहले इस बात को समझो कि मार्क प्राइस चूंकि सारे आर्टिकल का, सारे स्टोर में एक आर्टिकल का ए में बी में सी में मार्क प्राइस सेम है, दूसरे आर्टिकल का ए में बी में सी में सेम है, इसी तरह से तीसरे चौथे और पांचवे का भी मार्क प्राइस सेम है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इफ द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 2 By all the stores is ₹2568। दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सारे में, एवरेज सेलिंग प्राइस सारे में एवरेज सेलिंग प्राइस 2568 रुपया है, तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 2। तो यहां पर देखो, एवरेज सेलिंग प्राइस अगर 2568 रुपया है तो हम टोटल बोल सकते हैं ना, सेलिंग प्राइस 2568 गुना 3, क्योंकि 3 स्टोर है। ठीक है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है। अब हम यहां से देखते हैं कि 100 रुपया का वस्तु पे 28 रुपया छूट दिया, ये 100 रुपया का वस्तु पे 18 रुपया का छूट दिया, ये 100 रुपया के वस्तु पे 40 रुपया का छूट दिया। तो टोटल वस्तु का मार्क प्राइस है 100, 100, 100, 300। 300 में से 28, 18, 40, 28 घट गया, 18 घट गया, टोटल 46 घट गया, फिर से 40 घट गया, तो टोटल 86 घट गया। तो हम बोल सकते हैं 300 में से 86 अगर कम कर दोगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगा? 214%। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गया 214% बराबर 2568 गुना 3। ठीक है, कैसे हुआ, समझ में आ गया होगा? अरे 100 रुपया का ही वस्तु था, 28 रुपया छूट दिया, 100 रुपया का ही, वही सेम रुपया का था, क्योंकि मार्क प्राइस सबका सेम है,
तो 100 रुपया का छूट, 18 रुपया का छूट दिया 100 पर से, फिर 40 रुपया का छूट दिया 100 पर से, तो हम सारे मार्क प्राइस को एक साथ ऐड कर लिए 300 और 28, 18, 40 सारे डिस्काउंट को एक साथ ऐड कर लिए, तो टोटल 86, तो 300 में से 86 माइनस कर दिए, कितना आ गया 214% बराबर 2568 गुना 3। तो अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 100% बराबर क्या होगा, तो चलो 214 में से काटते हैं, तो 214 इकाई 214 देख लो यहाँ पे क्या सब बचा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 4 बचा, तो 428, तो 214 दूनी 428, तो आ गया 12 तिया 36, यानी 1% बराबर 12, 1% बराबर 12 तिया 36, तो 100% बराबर 36 गुना 100, 3600 रुपया, ठीक है। तो चलो इसका आंसर क्या हो गया, 3600 रुपया। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ मेरा, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल वन बाय स्टोर ए एंड बी 486 रुपया, 486। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बाय सी, गौर से सुनो क्या बोला, बोला दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर है 486, दोनों के सेलिंग प्राइस का अंतर है 486, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस निकालना है सी का पहले आर्टिकल पे, देखो ध्यान दो, ए में 100 रुपया का वस्तु पे 16 रुपया का छूट, ठीक है, और बी में 7 रुपया का छूट, तो 16 रुपया का छूट और 7 रुपया का छूट, सेलिंग प्राइस का अंतर, तो जो 16 और 7 का अंतर होगा, 7 मिनट पहले, तो 16 मिनट पहले 7 मिनट पहले जो टाइम का अंतर होगा, तो जो 16 का अंतर 7 से होगा वही होगा, 16 मिनट पहले और 7 मिनट बाद, तो 7 और 16 दोनों को ऐड करेंगे तो डिफरेंस आएगा, तो यहां बोला 16 कम 7 कम, तो 16 और 7 का ही जो अंतर है वही हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 9%, तुरंत हो गया, हम डायरेक्ट बोलेंगे 9% बराबर 486 रुपया, ठीक है, तो 9% बराबर हमें 486 रुपया आ चुका है, तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन बाय सी, तो सी जो है सी का 24% अगर छूट कर दिया जाए तो कितना परसेंट हो जाएगा, 76%, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है, अभी हम क्या करेंगे 486/9 = 76, आंसर आ गया मेरा, तो देख लो 9 पचे 45, तो यहाँ पे 3 बच गया, 9 चौका 36, तो हम बोल सकते हैं 54 गुना 76, तो अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, तो आ जाएगा मेरा आंसर, ठीक है, चलो इस दोनों को अभी मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं इसको देख लो, तो 54 गुना 76 है, तो 50 से 76 को मल्टीप्लाई करना है, गौर से सुनो 50 से 76 को मल्टीप्लाई करना है, हम करते नहीं है, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 76 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 50 से करने का मतलब है कि 100 का हाफ, तो 76 को 100 से मल्टीप्लाई किए, 7600 हाफ कर दिए, तो 76 का हाफ क्या हो जाएगा, 3800, तो ये हम 50 से मल्टीप्लाई हो चुका, प्लस अब 76 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 76 का डबल करके देख लो, तो हो जाएगा आपको 152, 70 दुनी 140, 6 दुनी 12, 152, फिर से डबल करके देख लो, तो हो जाएगा आपका 304 रुपया, ऐड कर दिए तो 4104 रुपया आ गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4104, ठीक है, ये तो कैलकुलेशन वाला बात था, एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं शुरू से, ध्यान से देखना, ध्यान से देखिए कि ये हुआ कैसे, देखो 1, 1, 2 एंड 3, 100% 100% 100%, चलो 100 यूनिट ले लेते हैं,
तो इसने छूट दिया 16 का, इसने छूट दिया 7 का और इसने छूट दिया 24 का। तो सेलिंग प्राइस 100 पर से 24 सेलिंग प्राइस, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसका सेलिंग प्राइस का अंतर, इसका सेलिंग प्राइस पहले निकालोगे तो ये आ गया 84। देखो 100 में से 16 माइनस करेंगे तो 84 आएगा और 100 में से 7 माइनस करेंगे तो 93 आएगा। अब इस दोनों का अंतर हम देख रहे हैं तो 84 और 93 का अंतर कितना आ गया, 9 का। तो यही 9 यूनिट बराबर था 486, हमने अभी देखा। अब आपको जो हमने तभी बताया था उस चीज पे थोड़ा गौर करो। तो 100 में से 16 कम, 100 में से 7 कम, दोनों का देखे डिफरेंस, तो माइनस कर दे, तो माइनस कर दे, 100 से 100 कट गया और माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस 16 और माइनस प्लस 7, तो टोटल मिलके -9 हो गया। तो अंतर जब भी देखेंगे तो अंतर तो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव में आएगा, डिफरेंस 9 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, तीसरे नंबर के क्वेश्चन। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3, एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 बाय स्टोर ए एंड बी इज 3608। चलो तो इसका तो हमें पता नहीं है, तो हम फिलहाल इसे अभी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो 100 - 16% प्लस 100 - x% का डिफरेंस, एवरेज। तो 100 - 16, 100 - x का एवरेज क्या आ गया, 100 - 16 प्लस 100 - x/2, ठीक है। वो क्या आपको दिया हुआ है, 3608, और 3608 दिया हुआ, 3608 दिया हुआ। दूसरे वाले का देखो b और c का, तो b का क्या हो जाएगा, 100 - x प्लस 100 - 3, 30 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका भी एवरेज निकला और ये क्या हो गया 3300। तो पूछ रहा है क्या, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 3 बाय स्टोर सी। तो स्टोर सी के द्वारा जो सेल किया जा रहा है वो कितने में सेल किया जा रहा है, तो स्टोर सी तो 30% छूट दिया तो 70% पे सेल करेगा। तो पहले पता कैसे करे, अभी देखो ये एक्स आ चुका है, तो हम ऐसा करते हैं 100 - x, 100 - x, ठीक है, माइनस एक दूसरे से माइनस कर लेते हैं। तो देखो 100 - x/2 और 100 - x/2, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, कट गया आपस में, ठीक है, आपस में कट गया। अब बचा 100 - 16/2 माइनस 100 - 30/2, 100 - 16/2, 100 - 30/2, इसमें भी माइनस, तो 100 से 100 कट जाएगा, अंतर आएगा 30 और 16 का 14/2 बराबर 308। 3608 में से 3300 माइनस करेंगे तो 308 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको कितना, 7। अभी 7% बराबर हो गया 308, तो 70% बराबर क्या हो जाएगा, 380 रुपया आंसर, 380 रुपया आंसर, क्योंकि 70% निकालना था हमें, क्या ये बात आप समझे। सीधा सा बात है, कुछ खास नहीं है, इतना हमें करने का भी असल में जरूरत नहीं था, फिर भी आपको आपके बेस के लिए बता देते हैं। इसका सेलिंग प्राइस 100 में से 16 कम करें, ठीक है, तो करने का जरूरत नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये 100 में से x कम करे, x मान लिए अभी, तो दोनों का एवरेज बटे दो कर दिए सेलिंग प्राइस, तो ये टोटल एवरेज आ गया कितना हमको, 3608। बी और सी का, बी का 100 में से x माइनस किए, 100 में से 30 माइनस किए, सी का इसका एवरेज निकाले तो 3300 आ गया। अब इस दोनों का डिफरेंस देखे तो 100 - x, 100 - x कट गया, नीचे में 2-2 कॉमन हो गया, ठीक है, 2-2 क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अभी 100 - 16 - 100 + 30 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, -16 + 30 अंतर हो गया 14 का, तो ये 7% हो गया, 2 से जब डिवाइड किया तो 7% बराबर 308। अभी हमें निकालना क्या था, स्टोर सी का सेलिंग प्राइस, तो स्टोर सी का सेलिंग प्राइस 30% कम करेंगे 70% होगा, तो 7% रिप्रेजेंट करेगा 308 को, तो 70% रिप्रेजेंट कर देगा 380 को, ठीक है। तो आंसर मेरा हो गया 380। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट जरूर करते चलेंगे।
अच्छा लग रहा है तो कमेंट करेंगे, और आपको लग रहा है कि इसमें भी कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जितना शॉर्ट तरीका से बताया जा सके वो मैं बताता हूँ, और कॉन्सेप्ट के साथ चूँकि बताना पड़ता है इसी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लगे कि लेट भी हो सकता है। चलिए तो फिर हम लोग बढ़ते हैं, समय का भी अभाव है तो चौथे नंबर पे आ जाते हैं। स्टोर ए अर्न 10% प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट 5। पांचवें प्रोडक्ट में स्टोर ए 10% प्रॉफिट अर्जित करता है, ठीक है। चलो ए है, बी है और सी है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इट ऑल स्टोर्स इज द सेम, कॉस्ट प्राइस भी सबका सेम है, मार्क प्राइस तो बोला ही था सेम है, अब बोल रहा है कॉस्ट प्राइस भी सेम है, ध्यान रखना इस बात का। तो पूछ रहा है देन फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बाय बी एंड सी इन सेलिंग 5। तो देखो पहले हम यहां पे लिखते हैं मार्क प्राइस, फिर लिखते हैं डिस्काउंट घटा करके सेलिंग प्राइस, और फिर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो हम जानते हैं कॉस्ट प्राइस सेम है क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है। मार्क प्राइस 100 माने, ठीक है। अभी सेलिंग प्राइस देखो पांचवे में 12 कम करेगा 100 में से 12 कम करेगा तो हो जाएगा 88, 100 में से 12 कम करेगा तो हो जाएगा क्या 88, 100 में से 11 कम हो जाएगा तो हो जाएगा 89, 100 में से 6 डिस्काउंट देगा तो हो जाएगा 94। तो सबका सेलिंग प्राइस भी आ गया। अब बोल रहा है अब हमें कॉस्ट प्राइस तीनों बराबर है तो अब कहीं से हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कहीं से चाहिए तो कहां से मिलेगा, क्वेश्चन से ही मिलेगा, मंगल ग्रह थोड़ी लाएंगे। तो यहां पर देख लो क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट प्राइस, यहां ए अर्न 10% प्रॉफिट, तो ए ने 10% प्रॉफिट अर्जित किया, 10% का वैल्यू 1/10। तो हम बोल सकते हैं अगर 10 होता कॉस्ट प्राइस तो अर्जित कितना किया 1 रुपया प्रॉफिट, तो कितना में सेल किया 11 यूनिट में सेल किया, यानी कॉस्ट प्राइस ए का अगर 10 यूनिट होता तो कॉस्ट प्राइस ए सेलिंग प्राइस ए का 11 यूनिट होता। तो अभी 11 यूनिट दिया हुआ है, 11 बराबर 88, 1 बराबर 8, तो 10 बराबर 80 आ गया कॉस्ट प्राइस, और जब 1 का आ गया कॉस्ट प्राइस तो दोनों का आ गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रेशियो ऑफ प्रॉफिट बाय बी एंड सी, रेशियो कितना प्रॉफिट हुआ भाई तो 9 का, कितना प्रॉफिट हुआ भाई तो 14 का, रेशियो क्या आ गया 9:14, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, नेक्स्ट पांचवें नंबर पे अभी देख लीजिए, पांचवें नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल फोर बाय स्टोर ए एंड बी इज 2:3, मतलब अगर ये 2 यूनिट डिस्काउंट है तो ये 3 यूनिट डिस्काउंट है, 3 यूनिट बराबर 18, 1 यूनिट बराबर 6%, तो 2 यूनिट बराबर 12%। ए का चौथे आर्टिकल पे 12% का छूट देना तय है, ये बात पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, फिर बोला डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय ए एंड सी। अब ए एंड सी का सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो है 432 रुपया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय स्टोर ए इज 216 मोर देन डेट बाय बी, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय सी। ध्यान देना यहां पे, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं इसे अभी मिटा देते, इसका भी कोई काम नहीं रहा, इसे हम हटा देते हैं। ध्यान देना ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये 12% तो हो गया, पता चल गया।
अभी 12% हो गया, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये x परसेंट छूट दे रहा। कितना परसेंट छूट दे रहा? x परसेंट, ठीक है। अब देखो बोला क्या, रेशियो ऑफ डिस्काउंट ऑफ आर्टिकल, ये तो पता चल गया, इतना दिया हुआ। दूसरा लाइन में, तीसरा लाइन में देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4 बाय स्टोर ए एंड सी इज 432। तो ये देखो 100 पर से 12 छूट है और 100 पर से ये x परसेंट छूट है। इस दोनों का जब अंतर निकालेंगे सेलिंग प्राइस का, तो 100 से 100 कटेगा, तो अंतर 12% का x परसेंट के साथ जो अंतर होगा वो आपको दिया हुआ है 432 रुपया। मॉड लगा दिए इसलिए कि हो सकता है 12% बड़ा हो सकता है x परसेंट बड़ा हो, ठीक है। तो कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो अभी 432 दिया हुआ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोला आर्टिकल 4 बाय ए इज 216 मोर देन डेट बाय बी। तो बी से सेलिंग प्राइस 216 ज्यादा है। तो देखो अभी ए और बी के रेस्पेक्ट में तय कर रहा है, तो यहां से 12 कम और यहां से 18 कम, तो 12 और 18 का अंतर क्या हो गया? 6% का। तो हम बोल सकते हैं 6% बराबर 216, तो 1% बराबर मेरा कितना हो गया? 6 से कटेगा तो ये 36, तो 100% बराबर 3600। यानी मार्क प्राइस हमें पता चल गया 3600। मार्क प्राइस क्या पता चला? 3600, ठीक है। चलो वेरी गुड, मार्क प्राइस पता चल गया 3600। अब इस x परसेंट के बारे में निकालते हैं 432 के बारे में। इस x परसेंट के बारे में निकालो, x परसेंट कहां से निकलेगा? तो हमें तो ये बात पता है कि 100% से 12% कम है, 100% से ये x परसेंट कम है, ठीक है। तो चलो 432 के बारे में पता करते हैं। तो अच्छा सोचो, परसेंटेज में से परसेंटेज माइनस करेंगे, 10% में से 5% माइनस किए तो परसेंटेज में वैल्यू आया, 10 रुपया से 5 रुपया माइनस किए तो 5 रुपया में वैल्यू आया। तो यहाँ पे 432 दिया हुआ है, परसेंट से परसेंट माइनस करेंगे तो परसेंट में वैल्यू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। परसेंट से 12% से अगर ये 10% रहेगा तो 12% माइनस 10% बराबर 2%, ऐसा। 12% अगर 5% है तो 12% माइनस 5% बराबर 7%, ठीक है। तो अगर इसका परसेंटेज पता चल गया, इसका परसेंटेज पता चल गया किसके रेस्पेक्ट में, तो 3600 के रेस्पेक्ट में। इसका परसेंटेज 3600 के रेस्पेक्ट में अगर पता चल गया तो हमें x के बारे में भी पता चल जाएगा। अब हमें निकालना कैसे है? अगर आपने मेरा सिंप्लीफिकेशन का वीडियो देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से निकालते हैं। दो तरह से निकाला जाता है, एक तो आप ट्रेडिशनली समझ सकते हैं इसको, जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर रखो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो उसको नीचे रखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 0000 कट गया, अभी देखो ये 4 से भी कटेगा, 4 नमे 36, 4 इकाई 4, 4 अठे 32, 9 से भी कट गया, 9 इकाई 9, 9 दुनी 18, तो परसेंटेज क्या निकला? 12%। 432 के बारे में परसेंटेज निकल गया। दूसरा तरीका परसेंटेज निकालने का बता रहे हैं, क्वेश्चन को हम भूल गए अभी, ठीक है। तो हम बोलेंगे देख करके, एक तो वैसे निकालते गुना 100 करके, एक देख करके निकालते हैं। अरे भाई ये 100% है अपने आप में, 100% है अपने आप में, अगर ये 10% होता तो 360 होता कि नहीं होता? 432 और चाहिए तो कितना हमें और चाहिए? तो 40 और 32 तो 72 और चाहिए, 72 और चाहिए। तो देखो 10% 360, 1% 36, और जब 1% हुआ 36 तो 72 के बारे में क्या विचार है? 2%। तो 10% और 2% यानी 360 प्लस 72 यानी 432 का जो औकात है वो है 12% का। आ गया समझ में कैसे परसेंटेज निकालना था हमें? चलो तो दोनों ही तरीका से हम समझा दिया, ठीक है। अब देखो अब मेन चीज आता है, ठीक है। अब हम बोलते हैं, इसको मिटा देते फिर से, कि भाई 12% में और x परसेंट में जो अंतर होना चाहिए वो 432 का क्या परसेंटेज है? तो 12% है, ठीक है।
तो 432 का है परसेंटेज 12%, ध्यान से देखना। तो अब हम x के बारे में क्या सब डिसाइड कर सकते हैं, हम अंतर बोल रहे हैं, घटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अंतर बोल रहे हैं। अच्छा 40 में से 60 को घटाओ तो -20, और 40 और 60 का अंतर तो +20, समझ रहे हैं ना। हम बोले 12 और x का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 12%। तो क्या सब हो सकता है, x बराबर या तो 0% हो सकता है, 12 और 0 का 12, या x बराबर 24% भी हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। 12 और 0 का अंतर 12, 12 और 24 का भी अंतर 12, समझ रहे हैं ना। अब देखो कि अगर 0% रहता, 0% डिस्काउंट रहता तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3600 से 0% डिस्काउंट मारता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलिंग प्राइस भी 3600 ही होता, कहीं ऑप्शन में नहीं है, एक तो वो बात, और 0% डिस्काउंट होना भी नहीं चाहिए। तो कितना परसेंट डिस्काउंट है, 24% डिस्काउंट है। तो इसका मतलब क्या है कि 24% डिस्काउंट है, और यही मेरा असल में आंसर है, आंसर नहीं, x बराबर हमें पता चल गया कि ये तो 24% है। अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 4/C, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, तो भैया 3600 में से 24% अगर निकाल दोगे तो क्या सेलिंग प्राइस नहीं आएगा, मार्क प्राइस में से 24% डिस्काउंट निकाल दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। अब 24% निकालने के लिए 36 का कुछ करना है क्या, कुछ नहीं करना है, 12% बराबर 432, 12% बराबर 432, तो 24% बराबर 864 कम करो, कितना कम करो, 864 कम करो, ठीक है। तो 3600 में से 800 कम कर दिए, 3600 में से 800 कम कर दिए तो ये हो गया आपका 2800, और 2800 में से 64 कम कर दिए तो 2736 रुपया आंसर हुआ, 2736 रुपया, ठीक है। तो खत्म हो गया, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, ठीक है, लाइक तो जरूर कर देना है। तो चलो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, डीआई का ही कोई क्वेश्चन। दोस्तों मैं कुछ दिनों में, दो चार दिनों में चैप्टर वाइज भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा, रेशियो का, एलिगेशन का, पार्टनरशिप का, अरिथमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन, और आप देखेंगे कि क्या मैं ट्रिक लगाता हूँ। मार्केट में आपको तो कहीं नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो मैं ये बात बता देता हूँ कि मार्केट में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा कि हम कौन सा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, हम एकदम सीधा सीधा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, एकदम सीधा 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 सोचते हैं, कहानी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे भी उत्साहवर्धन होगा, मेरा भी उत्साहवर्धन होगा, और मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो बना के देता हूँ, आप कंपेयर करके एक बार देख लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग।